एक इंच अदरक, 15 पीस लहसुन का कलिया, दोनों को पेस्ट कर देना। बिरयानी बनाने जा रहे हैं, 1.5 चम्मच मिर्चा, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच गोलकी, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 50 ग्राम दही, 1/2 पत्ता थोड़ा ज्यादा डालिएगा, भुंजा हुआ प्याज डाल दे रहे हैं, इन सबको मिलाकर अच्छे से मिला देंगे। इसको अच्छे से 1/2 घंटे के लिए मिला करके रख दे रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, हम तो बाहर में ही रखे हैं। चिकन 1/2 घंटा के लिए हम रखे थे, अब ये हमारा हो गया है। अब एक एक करके तल रहे हैं। तक हम चावल धो रहे हैं, देखिए चावल बासमती चावल है। चिकन को अच्छे से फ्राई कर दिए हैं, निकाल दे रहे हैं। घी या बटर डाल सकते हैं, लेकिन हम घी 2 चम्मच डाल दे रहे हैं। इसमें थोड़ा टमाटर डाल दे रहे हैं,
लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। दो चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच भुनकी, चिकन बिरयानी दो चम्मच। एक चम्मच धनिया, डेढ़ चम्मच धनिया। नमक चिकन में है इसलिए इसमें कम डाल रहे अपने हिसाब से। हम दो गिलास चावल डाले हैं, अब हमारा मसाला भुंजा गया है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। फूड कलर है, अब दो गिलास चावल डाले हैं तो चार गिलास पानी। इसे अंदाज अच्छे से इसको अच्छे से हम सजा लेंगे धनिया पत्ता पुदीना हरा से। अब एक एक पीस को सजा लेंगे। ऊपर से प्याज डाल दे रहे हैं, जो भूंज के रखे थे प्याज वही प्याज इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम ढक दे रहे हैं। अब मेरा बिरयानी तैयार हो गया है। कितना अच्छा मेरा चिकन बिरयानी तैयार हो गया। अरे चिकन बिरयानी आज नामी चल रही है चिकन बिरयानी। बिरयानी के साथ प्याज अच्छा।